हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आटे की क्रिस्पी चार लेयर वाली नमकीन, जो एकदम इजी है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी ये एकदम हमारी ये रेसिपी बनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसको हमने छान लिया है, और इसमें हमने 1 छोटी चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच हमने हाथों से क्रश करके अजवाइन डाली है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल दी है। और यहाँ पर मैंने ये जो ऑयल होता है वो लिया है 4 चम्मच के लगभग। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं। और मोइन देखिए इस तरह से मुट्ठी बन लग जाए, इतना ही मोइन हमें डालना है। और फिर हमें यहाँ पर पानी से आटा लगाना है। तो ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, तो ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। तो हम ये धीरे धीरे इसमें पानी डाल के आटा लगाएंगे। तो देखिए इस तरह का हमने आटा लगा लिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर ऑयल डाला था और इसे आटे को हमने चिकना कर लिया है। और इसे हम रेस्ट पे छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, कि ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए आटा। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है और इसे हमने गरम कर लिया है। और ये ठंडा होने के बाद इसमें हमने 2 चम्मच आटा और 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। आप यहाँ पर 4 चम्मच गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। इससे अंदर तक एकदम क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनेगा जो हम मट्ठी बना रहे हैं। और इस तरह से देखिए हमने लोई बनाई है। यहाँ पर हमने इस तरह से छोटी छोटी 4 लोई बनाई है, नींबू से बड़े आकार की हमें लेनी है। और अब इसे हमें बेलना है। तो ये एकदम पतली पतली हमें बेलनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, क्योंकि हम 4 जो ये पूड़ी बना रहे हैं इसकी, क्योंकि हम मट्ठी 4 लेयर वाली बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने 4 इस तरह से पूड़ी पतली पतली बेल के रख ली है। और जो हमने ये साटा तैयार किया था वो हम इस तरह से इसके चारों तरफ रोटी के लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर एक जो हमने ये रोटी बना के रखी थी वो इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए किनारे को एकदम बराबर रखना है और फिर हाथों से थोड़ा सा दबाना है। और फिर वापस हम साटा लगाएंगे। और इस तरह से हमने चारों ये जो रोटी बनाई थी ये हमें इस तरह से सेट करनी है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा नाश्ता इतना टेस्टी टेस्टी तो बनेगा, क्रिस्पी भी बनेगा। तो इस तरह से हमने बेल लिया है, एक बार हमें इसे बेलना है तो ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से दोनों तरफ किनारों पे लगा के दोनों किनारे को इस तरह से हमें मोड़ना है, देखिए। और ये ऊपर की तरफ से भी किनारे को इस तरह से हमने मोड़ लिया है। और अब इसे हमें बेलना है, इस चकोर हमें बेलना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये आसानी से बेला जा सकता है। और फिर इसके जिस तरह से आपको ये मट्ठी चाहिए उस तरह से आप कट कर लीजिए। तो हमने ये कट करके रख ली है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म है तो ये एकदम ऊपर की तरफ आ रही है। अब गैस का फ्लेम हमें मीडियम में करना है। तो हमें एकदम क्रिस्पी ये मट्ठी बनानी है। तो ये धीरे धीरे अंदर तक सिकाई हो जाए तब तक हमें इसे सेकते रहना है। तो देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है, एकदम ब्राउन कलर, ये सिक्के तैयार हैं। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो आप इसे चाय के साथ नाश्ते में आप ले सकते हैं। एकदम आसान रेसिपी है, इसे आप 15-20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो दिवाली पर ये आप रेसिपी ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पे नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।